Click on subscribe button and press bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं स्पैगेटी एंड मीटबॉल, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। 250 ग्राम मैंने स्पैगेटी ली जिसे मैंने बॉईल कर लिया, आधा किलो मैंने चिकन लिया है बोनलेस, आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, मटन का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चिकन का कीमा करूँगी। 3 अदर टमाटर लिए जिनको मैंने बॉयल किया और उसके बाद इनको ब्लेंड कर लिया। क्रश किया हुआ लहसुन लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ओरिगेनो लिया हमने 1/4 टीस्पून, सोया सॉस लिया हमने 1 टीस्पून, नमक लिए हमने 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लिया है हमने 1/2 टीस्पून, हरी मिर्ची ली है 4 अदद, आधी कटी हुई प्याज ली है मैंने, सिरका लिया है 1 टीस्पून और ऑयल लिया है हमने 2 टेबलस्पून। चिकन के बॉल बनाने के लिए हमें चॉपर चाहिए, चॉपर में मैं चिकन डाल दूंगी। कटी हुई प्याज डालूंगी, हरी मिर्ची डालूंगी, 1/2 टीस्पून लहसुन डालूंगी कटा हुआ, 1/2 हम टमाटर पेस्ट में डालेंगे, तो ये मैं 1/2 इसमें डाल रही हूँ। तो ये 1/2 किया इसमें, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून और 1/2 हम टमाटर पेस्ट में डालेंगे, इसी तरह काली मिर्च भी 1/2 डालेंगे, तो 1/2 बचा लेंगे टमाटर पेस्ट के लिए। अब इसको चॉप कर लेंगे। तो ये हमने पीस लिया, अब इसे निकाल लेंगे। तो ये हमने पीस लिया, अब इसके हम बॉल बना लेंगे। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे और छोटे छोटे से बॉल बनाते जाएंगे, छोटे छोटे से बॉल बनाते जाएंगे, इसी तरह सारे बना लेंगे, इसे साइड पर रखते जाएंगे, इसी तरह सारे बना लेंगे। चिकन के बॉल हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। पैन में ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून, तो ये हमने डाल दिया। 1/2 टीस्पून क्रश किया हुआ लहसुन डालेंगे, जो बचा हुआ था वो मैं डाल रही हूँ। लहसुन को हमने लाइट गोल्डन कलर देना है, तो ये लाइट कलर हो गया। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट, मैंने 3 टमाटर लिए, उनको मैंने बॉयल कर लिया, उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया, तो ये 1 कप हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसे। अब इसमें डालेंगे नमक, हमने इसमें बचा हुआ नमक डाला है जो बच गया हुआ था 1/2 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर जो बचा हुआ था, वो डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर, मिक्स करेंगे इसे। अब इसमें 1/2 कप हम पानी डालेंगे। अब इसमें हम बॉल डाल देंगे, चिकन बॉल। चिकन बॉल हमने डाल दी है, अब इसे कवर करके हम 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। पाँच मिनट हो गए हैं, अब इसे चेक करेंगे। साथ साथ मैंने इसे हिलाया है, जो हमारे बोल हैं वो चारों तरफ से पकें, तो ये देखें ये पक रहे हैं चारों तरफ से। इससे ये है कि हमारे जो बोल होंगे वो टूटेंगे नहीं, साथ साथ से चेक करते जाएं। और चम्मच आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, चम्मच करेंगे तो जो हमारे बोल होंगे वो टूट जाएंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, सिरका डालेंगे और ये ओरिगेनो डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी को थोड़ा थिक कर लेंगे हम। तो ये थिक हो चुके हैं, फ्लेम को बंद कर देंगे, ये तैयार हैं। अब हम प्लेट में स्पैगेटी डालेंगे, अब इस पर चिकन के बॉल रखेंगे। अब इस पे ग्रेवी डाल देंगे, और ऊपर से पार्सले की गार्निश कर देंगे। तैयार है स्पैगेटी मीटबॉल। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।
अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।